नमस्ते, मैं अविचल दुबे। पुराने समय से कहावत चली आ रही है कि हाथी खरीदना आसान है लेकिन पालना मुश्किल है। दरअसल बीते समय में जो सर्वाधिक साधन हुआ करते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, वो हाथी घोड़े हुआ करते थे। हाथी को शाही लोग या रसूखदार रखा करते थे, ज़मींदार रखा करते थे, क्योंकि हाथी जैसा जीव जो ज़्यादा खाना खाता है उसके लिए ये बड़ा मुश्किल था कि उसके खाने की भरपाई की जा सके। और घोड़ा भी अच्छा खासा खान पीन करता है लेकिन हाथी के मुकाबले कम खाता है, इसलिए घोड़े को भी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए प्रयोग में लाते थे। आजकल के हाथी घोड़ों की बात करें तो उसमें शामिल होते हैं चार पहिया और दो पहिया। आवागमन के लिए सर्वाधिक प्रयोग में हम चार पहिया और दो पहिया का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के दौर में भी वो कहावत सही साबित हो रही है कि हाथी खरीदना आसान है लेकिन पालना मुश्किल है। हाथी घोड़े मतलब गाड़ी खरीदना आसान है लेकिन उसका रखरखाव करना, उसको चलाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भारत में फ्यूल रेट जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बहुत तेज़ी का मतलब समझ लीजिए कि 16 दिन में, बीते 16 दिन में 10 रुपये पेट्रोल डीजल पर बढ़ाए जा चुके हैं। बीते 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन में जो CNG की कीमत है वो 6.5 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है। आप ये समझिए कि जो फ्यूल रेट है उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो महंगा हो ही रहा है, इसके पैरेलल जो इनडायरेक्ट महंगाई है वो भी हमारे सामने आ रही है। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से डीजल बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रक के जरिए होता है, उस पर जब जोर पड़ रहा है, उस पर जब भार बढ़ रहा है, तो जितना भी प्रोडक्ट हमारे घर पर आ रहा है वो सब महंगा आ रहा है। एक एक करके सारे ईंधन की बात कर लेंगे, सारे फ्यूल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पेट्रोल पर आते हैं। पेट्रोल जो है वो बीते 16 दिन में सबसे ज़्यादा महंगा हो गया है, यानी कि 10 रुपये लीटर बढ़ा है। अब 10 रुपये लीटर बढ़ा है तो इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है दिल्ली में, तो उसको समझते हैं। तो दिल्ली में 105 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत है। डीजल की कीमत करीब 97 रुपये है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 120 रुपये से ज़्यादा है और डीजल जो है वो 105 रुपये लीटर का है। पूरे देश के हिसाब से अगर बताऊं तो महाराष्ट्र के परभणी और राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल है, 123 रुपए के करीब है ये पेट्रोल। और आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 107 रुपए से महंगा डीजल बिक रहा है, ये सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। पूरे देश में अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज 110 रुपए के पार जो है पेट्रोल बिक रहा है और 100 रुपये का शतक जो है डीजल लगा चुका है। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बीते 16 दिन में बढ़ाई गई हैं वो छिटपुट तरीके से बढ़ाई गई, 80 पैसे, 50 पैसे, 30 पैसे इस हिसाब से बढ़ाई गई। तो हमें हर रोज़ तो नहीं पता पड़ी, लेकिन अब आप समझिए कि आधे महीने में, 16 दिन में ये कीमत 10 रुपये से ज़्यादा हो गई। ये पहले से गणित हमें समझ में आ रहा था कि चुनाव खत्म होंगे और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी, हर किसी को इस बात का अंदेशा था, लेकिन इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी ये किसी को भी समझ में नहीं आया था। क्यों? क्योंकि 4 नवंबर से पेट्रोल डीजल की कीमत को फ्रीज कर दिया गया था। 137 दिन तो पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे, लेकिन 22 मार्च से ये दाम बढ़ना शुरू हुए और 22 मार्च से आज 6 अप्रैल हो गया है, 16 दिन में जो दाम है वो 10 रुपये ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर इसका एक कंपैरिजन करते हैं, बीते साल भी जो है 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। 6 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चुनाव चले। 23 फरवरी 2021 से पेट्रोल डीजल के दाम को रोक दिया गया, यानी कि बढ़ाया नहीं गया। 2 मई को नतीजे आए और 4 मई से दाम बढ़ने लगे। यानी कि 2021 में भी ऐसा हुआ कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान या उससे पहले ही पेट्रोल डीजल के दाम को फ्रीज कर दिया गया, जैसे ही नतीजे आए तो दाम बढ़ने लगे। और अगले 5 महीने में, यानी कि नतीजे आने के बाद अगले 5 महीने में 20 रुपये दाम बढ़ गए। यानी कि 5 महीने में उस वक्त 2021 में दाम बढ़े, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ आधे महीने में, 16 दिन में 10 रुपये दाम बढ़ गए हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर पेट्रोल डीजल पर दाम और कितने बढ़ेंगे? तो एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर कहना है कि ऑयल कंपनियों को जो दाम फ्रीज हो गए थे 137 दिन में, जो नुकसान हुआ है, IOCL है, BPCL है, HPCL है, इनको नुकसान करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा का हुआ है। इसकी भरपाई वो अब करेंगे और छिटपुट तरीके से दाम बढ़ रहे हैं। अब ये जो भरपाई है ये करीब करीब 20 से 25 रुपये की होनी है, यानी कि जो दाम फ्रीज हुए थे उसके बाद 20 से 25 रुपए की भरपाई होनी है। 10 रुपए बढ़ चुके हैं, 10 से 15 रुपए और बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर दिल्ली की बात करें तो 120 रुपए के पार पेट्रोल जा सकता है, और अगर मुंबई की बात करें तो जो पेट्रोल की कीमत है वो 140 रुपए के करीब आ सकती है। ऐसा ही देश भर में जो ऑन एन एवरेज
पेट्रोल की कीमत है वो 125 रुपये पर लीटर हो सकती है। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने में जरा सरकार की बात को भी समझ लेते हैं। सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमत जो है पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है। अमेरिका कनाडा जैसे देशों में तो 50% तक जो है वृद्धि हुई है, यानी कि जो कीमतें हैं वो 50% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। भारत में ये सिर्फ 5% बढ़ी हैं। लेकिन हरदीप सिंह पुरी ने ये जवाब नहीं दिया है या ये बात का जिक्र नहीं किया कि ये दाम एक साथ फ्रीज क्यों होते हैं और एक साथ ही क्यों बढ़ने लगते हैं। दरअसल चुनावी कनेक्शन ही कुछ ऐसा है। अब इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो पेट्रोल डीजल की गाड़ी चलाते नहीं हैं, तो अगर फ्यूल रेट बढ़ भी रहे हैं तो हम पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि CNG के दाम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैंने बताया कि बीते 5 दिन में 6.5 रुपये से ज़्यादा CNG बढ़ी है। अब दिल्ली में आज ही अगर CNG के दामों की बात करें तो ये 66 रुपये से ज़्यादा हैं, 66.5 रुपये के करीब हैं, 66.62 रुपये प्रति किलो, क्योंकि CNG जो नापा जाता है वो किलो के हिसाब से नापा जाता है। 2.5 रुपये आज सवेरे बढ़ गए। और अगर CNG की कीमतों की बात करें तो गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा यानी कि UP की कीमतों की बात करें तो ये 70 रुपये करीब हैं। और गुरुग्राम में इसकी बात करें यानी कि हरियाणा में बात करें, मतलब NCR की बात कर रहा हूँ, तो ये 75 रुपये किलो है। इसके साथ साथ PNG के भी दाम बढ़े हैं, यानी कि जो पाइप के ज़रिए हमारे घर पर गैस आती है जिससे हम खाना बनाते हैं, उस पर भी 5 रुपये की वृद्धि हुई है। SCM में यानी कि जो उसकी यूनिट है उसको हम नापते हैं तो वो 5 रुपये बढ़ गया है। अब आप इसमें एक और चीज़ सुनिए, वो ये है कि जो LPG के कमर्शियल सिलेंडर हैं वो 250 रुपये से ज़्यादा महंगे हुए। चेन्नई में इनकी कीमतें 2400 रुपये के पार जा चुकी हैं और ये दिल्ली में 2200 रुपये के पार चल रहा है। जो कमर्शियल सिलेंडर है वो सभी रेस्टोरेंट में और सभी कंपनीज़ में इस्तेमाल होता है, तो यानी कि बाहर खाना अब बहुत महंगा हो गया है। LPG सिलेंडर भी कुछ रोज़ पहले 50 रुपये महंगा हो चुका है देश में। इसके साथ साथ जो थोक में डीजल की खरीदारी होती है वो भी महंगी हो चुकी है। डीजल की जो थोक में खरीदारी होती है वो 25 रुपये पर लीटर बढ़ी है। अब डीजल की थोक में ख़रीदारी करती हैं सरकारी बसों के बेड़े, यानी कि सरकारी बसों में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डीजल डलता है वो थोक में ख़रीदारी करके डलता है। मॉल्स में जो डीजल का इस्तेमाल होता है वो भी थोक में ख़रीदारी के साथ होता है। बिजली बनाने में या इंडस्ट्रीज़ में, इनमें भी थोक खरीदारी के साथ ही डीज़ल की खरीदारी की जाती है, जो 25 रुपये पर लीटर बढ़ चुकी है। तो इस हिसाब से जितना भी सामान हमारे पास आएगा या हम कहीं जाएंगे वो सब महंगा हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे वो साधन आपका है या आप दूसरे यानी कि सरकारी साधन से जा रहे हैं, वो सब महंगा हो चुका है। तो कहावत वहीं पर आकर टिकती है कि हाथी खरीदना आसान हुआ लेकिन पालना मुश्किल हो गया। इसके साथ साथ जो महंगाई है वो आपको तेज़ी से घेरने की तैयारी में है। बताया ये जा रहा है कि जहां 100 रुपये इस्तेमाल होते थे वहां अब 115 रुपये होंगे, यानी कि आपके बजट में 15% की सीधी सीधी वृद्धि हो जाएगी।